अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हुराना अदनान मुदस्सर एक नई वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे बहरिया टाउन में ओवरऑल प्लॉट्स की क्या अहमियत है और किस तरह से आपको प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इस वक्त जो ऑनगोइंग टाइम है या राइट अवे, आज 30 दिसंबर 2020 है और मैं आपके सामने ये बात रखूँगा कि इस वक्त से ऑनवर्ड जो आने वाला टाइम है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाई प्लॉट्स इन बहरिया टाउन कराची, ख़ासकर उन एरियाज़ में प्लॉट जहाँ मुस्तकबिल में भी आपको 35% डेवलपमेंट चार्जेस आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे हर वो जगह पे। और एक इसके साथ साथ एडिशनल ये बात करता चलूँ कि 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स इस वक्त आपको नहायत कम पैसों में मिल रहे हैं। वो बेशक दूर दराज के प्रीसिंक्ट हैं या वो करीब के, जिस तरह अली ब्लॉक है, प्रीसिंक्ट 10B हो, 11B हो, प्रीसिंक्ट 27, 28, ये सारे एरियाज़ हों। और इसके साथ आगे जाके प्रीसिंक्ट 31 का एरिया, प्रीसिंक्ट 24, 23, 25, 25A, 26A, मतलब ये सारे वो एरियाज़ हैं जिसको हम अपनी डिस्कशन का हिस्सा बना रहे हैं। वो बेशक डांसिंग फाउंटेन के पास प्रीसिंक्ट 28 है या प्रीसिंक्ट 27 जहाँ पर विलास बने हुए हैं, प्रीसिंक्ट 15, 15A, 15B है, प्रीसिंक्ट 14 है, ये सारे जिना एवेन्यू के ऊपर प्रीसिंक्ट हैं। यहाँ कमोबेश में 125 को मैंने टारगेट इसलिए किया या प्रोमिनेंट तरीके से इसके ऊपर हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ये ओल्ड BTK यानी पुराने बहरिया टाउन कराची में आता है। ये उस एरिया में आएगा जहाँ मुस्तकबिल में भी जाके डेवलपमेंट चार्जेस का समझ लें एक फियर रहेगा, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में हमेशा ये कहा कि 35% डेवलपमेंट वाली चार्जेस, सॉरी 35% डेवलपमेंट चार्जेस की जो असल बात है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते अनटिल अनलेस बैरियर की तरफ से कोई ऑफिशियल चीज़ सामने नहीं आती। अब वो ऑफिशियली जो लास्ट टाइम हमारे सामने आई वो ये कि 35% डेवलपमेंट चार्जेस लागू कर दिए गए थे, अकाउंट स्टेटमेंट के ऊपर भी आ गए थे और कुछ लोगों ने कुछ एक साथ इसकी जमा भी करवा दी। और फिर अभी क्या किया, उसके बाद जब बहरिया ने पब्लिक प्रेशर देखा या जमात इस्लामी इन्वॉल्व हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी केस गए और बेशुमार चीज़ें हो रही थी, तो फिर बहरिया टाउन ने वक्ती तौर पर उसको पोस्टपोन कर दिया और उर्दू में एक वर्ड यूज़ किया कि इन डेवलपमेंट चार्जेस को मौखर कर दिया गया। मौखर मतलब डिले कर दिया गया, जो कि मुस्तकबिल में कभी भी आके ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी वक्त हाजिर में इन्होंने उससे समझ लें कि मामला ठंडा करने के लिए ये मामला कर दिया था। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट इस वक्त अगर नहायत मुनासिब कीमत पे मिलते हैं तो आपको अवेल करने चाहिए, कंस्ट्रक्शन की परमिशन है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी चाहिए। अगर मुस्तकबिल में कभी डेवलपमेंट चार्जेस जो थोड़े बहुत अगर अप्लाई हुए भी तो वो कि बहुत बड़ा फिगर नहीं होगा, तो मैं रिकमेंड करता हूँ इस वक्त आपको 125 स्क्वायर यार्ड वाला एरिया, 250 वाला एरिया, 500 वाला एरिया भी एवन जहाँ पर नहायत मुनासिब कीमतें चल रही हैं। और प्रीसिंक्ट 34 जो कि स्पोर्ट्स सिटी का हिस्सा है, प्रीसिंक्ट 37 स्पोर्ट्स सिटी का हिस्सा है, प्रीसिंक्ट 36 जो स्पोर्ट्स सिटी के अंदर आ रहा है वहाँ डेवलपमेंट चार्जेस का कोई ख़तरा नहीं है। बेहतरीन टाइम है कि आप इस वक्त आज 4 साल पुरानी कीमतों पर आप प्रॉपर्टी परचेज करें और फिर इसको फर्दर इन्वेस्टमेंट समझें या यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करें। वंस अगेन इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर प्लानिंग कि आप किस तरह से इसको लेके चलते हैं, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा वेलकम आपको करूँगा या उन लोगों को मैं ज़्यादा वेलकम करूँगा जो कंस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का इस वक्त टाइम चल रहा है। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में शायद एक रफ फिगर दिया था कि 12 से 14 हज़ार वो यूनिट्स हैं जो बहरिया टाउन के अंदर रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं। और बहरिया टाउन के अंदर यानी कराची शहर की आबादी को देखते हुए, इंटीरियर सिंध और ये सारी जगहों को देखते हुए, जितना कस्टमर यहाँ आना चाह रहा है, आप उन सारे लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये 12, 14, 15 हज़ार जो रेडी यूनिट्स होंगे ये उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करते। तो हर किसी ने यहाँ आना है, वो आप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाएं, अपार्टमेंट बनाएं या इसके अलावा यहाँ पर जो प्लॉट्स को कंस्ट्रक्ट करें, और वो छोटे बड़े हर तरह के घर हर किसी की ज़रूरत होंगे और वो इंशाल्लाह आसानी से मार्केट में सेल भी होंगे, इंस्टॉलमेंट प्लान बना के भी लोग उसको सेल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इस वक्त मार्केट में चल रही हैं। तो लिहाजा इस वीडियो में मैं ख़ास मैसेज ये देना चाह रहा था कि आपको प्लॉट परचेज़ करने चाहिए, इस वक्त ये बेस्ट टाइम चल रहा है प्लॉट परचेज़ करने के लिए। यानी ये इन्वेस्टर्स को जो लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई 100-150 प्लॉट परचेज़ करने वाले हैं, मैं उन लोगों को वेलकम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को लॉन्गर रन में
अगर कंस्ट्रक्शन भी नहीं करनी तो फिर आपको शायद प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन जो छोटे स्केल पे एंड यूज़र या स्मॉल स्केल इन्वेस्टर्स हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स आप कह लें कुछ साल, दो साल, पाँच साल के लिए जिन्होंने करना है, कुछ इस तरह के अगर लोग आना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये बेहतरीन टाइम है कि इस वक्त नहायत मुनासिब कीमतों पर आपको यहाँ पर प्लॉट्स मिल रहे हैं। तो प्लॉट्स पे आप लोग कंस्ट्रक्शन की भी परमिशन है, स्पोर्ट सिटी का एरिया इस वक्त काफ़ी मैं समझता हूँ कि टॉप ऑफ द लाइन चल रहा है, जो कि अंडर डिस्कशन है, जहाँ डेवलपमेंट जो मुतासरीन थे उनको भी प्लॉट एडजस्ट किए जा रहे हैं, उन लोगों की भी यहाँ जो आउट ऑफ बाउंड्री वॉल थे उनको भी विद इन बैरियर प्रेमिसेस एडजस्ट किया जा रहा है, लेटर्स लिख दिए गए हैं, स्पोर्ट सिटी विलास का पोजेशन मिल चुका है, लोग वहाँ रिहाइश पजीर भी हैं, पिसिंग 31 जैसी जगह पे, 32 ये सारे एरियाज ऑक्यूपाई हो चुके हैं। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोर से जारी है। आईफिल टावर जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है, ये न्यू ईयर नाइट पे इसकी ग्रैंड ओपनिंग होगी। और इसके अलावा जो स्पोर्ट सिटी और मेन जनाय एवेन्यू की अच्छी अप्रोच के मुताबिक जितने प्रीसिंक्ट आते हैं वो छोटे बड़े प्लॉट के आप लोग अपनी सहूलत के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक आप देख सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।